स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जुई सिंह। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रायपुर से खबर सामने आ रही, सीएम निवास में सीएम लगाएंगे जनता दरबार, मुख्यमंत्री साय आज होंगे जनता से सीधे रूबरू। आज से सीएम निवास में जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत, समस्याओं का निराकरण करेंगे सीएम साय। तो रायपुर से जानकारी, हर गुरुवार जनता दरबार लगाने की योजना, मुख्यमंत्री साय आज होंगे जनता से रूबरू। बड़ी जानकारी रायपुर से, समस्याओं का निराकरण करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज से सीएम निवास में जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत और सीएम निवास में सीएम लगाएंगे जनता दरबार और आज जनता से सीधे रूबरू होंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो ये जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। हर गुरुवार जनता दरबार लगाने की योजना, सीएम साय के सीएम निवास में जनता दरबार लगाए जाएंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो रायपुर से ये जानकारी, सीएम निवास में सीएम जनता दरबार लगाएंगे, मुख्यमंत्री साय आज जनता से सीधे रूबरू होंगे। तो आज से सीएम निवास में जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री जनता की समस्या सुनेंगे और निराकरण के आदेश भी देंगे। तो सीएम साय आज सीधे जनता से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समस्याएं सुनेंगे। तो रायपुर से यह जानकारी, सीएम निवास में जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन, जनता दरबार लगाएंगे सीएम साय। तो आज सीधे जनता से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री और जनता दरबार लगाएंगे। सीएम निवास में जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और इस दौरान जो है जनता की समस्याएं सुनेंगे, उसके निस्तारण के आदेश देंगे। सीएम आवास पर जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत और सीएम साय खुद लोगों का जायजा लेंगे। तो ये जानकारी रायपुर से। और वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा हर गुरुवार को जन दर्शन की शुरुआत करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रिमोट से चलने वाली सरकार द्वारा जन दर्शन कार्यक्रम करने से आम जनता को कोई लाभ नहीं होगा। सरकार के मुखिया के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, शक्तियां नहीं है, तो फिर जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ राजनीति दर्शन है जिसमें विष्णु जी दर्शन देंगे, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। तो कांग्रेस की ओर से जो है जन दर्शन कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा गया और साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि रिमोट से चलने वाली सरकार है और इसमें जनता को कोई फायदा नहीं होगा। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से जो है जन दर्शन कार्यक्रम की बात जो है सामने आ रही है, कांग्रेस कह रही है कि इससे कोई फायदा जो है जनता को नहीं होगा, रिमोट से चलने वाली सरकार है। हेलो जी सर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जुई जी मिल रही है जी। जिस तरीके से हम बात करें जन दर्शन कार्यक्रम की, जो बात सामने आ रही है सीएम साय चलाने जा रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा, ये महज जो है रिमोट से चलने वाली सरकार है। देखिए जुई जी, हम आपके ही चैनल के माध्यम से आज सुबह पता लगा कि जन दर्शन चालू हुआ है। निश्चित तौर पर जन दर्शन हमारी सरकार ने चालू किया था और हम जन जन तक गए भी, मुख्यमंत्री जी जाते भी थे और जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को उन्होंने पूरा भी किया। लेकिन अब देखने का विषय यह है कि जिस प्रकार से आज आप ही के चैनल में मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से वहाँ पर जनता आई हुई है, एक जनता ने शिकायत किया कि साजा के विधायक से मुझे प्रॉब्लम है और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उस जन दर्शन में उस आवेदन पे क्या मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। दूसरा एक आवेदन आया था कि कोई अधिकारी किसी जनता को परेशान कर रहा है, उसकी जमीन में कब्जा करना चाह रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री जी उस अधिकारी से उस जनता को बचाएंगे, उस जनमानस को रिलीफ मिलेगा? तो बहुत सी चीजें देखने का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर जन दर्शन का
सही यूज होता है तो जनता की इच्छा और आकांक्षाओं पे खरा उतरने का आपको क्या लगता है इससे कोई फायदा होगा जनता को? देखिए अगर इनिशिएटिव तो अच्छा है लेकिन आप उसको कैसे इम्पेल करते हैं वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जूही जी की हमारी सरकार तो जन जन तक जाती थी, मुख्यमंत्री जी गांव जाते थे, मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में बैठते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और त्वरित कार्रवाई करते थे। और यहाँ पर तो अभी आवेदन लिया जा रहा है, अभी ये नहीं पता कि वहाँ पर फॉर्मेट क्या है, तो मुझे लगता है कि कम से कम जनता की उम्मीदों पे अगर सरकार काम करे तो वो खरी उतरती है। लेकिन अब ये देखना है कि इनकी क्या कार्यशैली है और मुझे लगता है कि जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद इन लोग से नहीं होगी। तो क्या अमित जी कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी? देखिए निश्चित तौर पे जो आवेदन आते थे हमारी एक पूरी टीम थी शासन की और मुख्यमंत्री जी का उनको विशेष निर्देश था कि इनको त्वरित कार्रवाई किया जाए और इसको जो भी इनकी समस्या आती है उसको तुरंत निदान किया जाए। और हमने देखा कि जिस प्रकार से लोग मुख्यमंत्री जी से मिलते थे कांग्रेस की सरकार से वो प्रसन्न थे और जिस प्रकार से त्वरित निर्णय वहां पर लिया जाता था, जैसे किसी बच्ची को सिलेक्शन हो गया नर्सिंग कॉलेज में और फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सैंक्शन किया, किसी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सैंक्शन किया। तो मुझे लगता है कि आपको त्वरित कार्रवाई करना पड़ेगा क्योंकि अगर किसी भी चीज में अगर न्याय में देरी होती है तो अपने आप में वो अन्याय है। लेकिन अमित जी जब कांग्रेस की सरकार जनता की सुनती थी तो जनता ने क्यों नकार दिया? देखिए यही तो चिंता का विषय है और कल हमारे आज प्रभारी लोग आ रहे हैं और हम चिंतन और मनन करेंगे। इतना काम करने के बाद हम क्यों हार गए? हम सच बोल के भी हार गए और वो झूठ बोल के भी जीत गए। तो कहते हैं ना कि अब जनता के बीच में हम जा रहे हैं और लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है साहब। जनता का निर्णय बड़ी विनम्रता के साथ हमने स्वीकार किया लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव में जो 400 की बात करते थे आज वो 240 में आ गए और आदरणीय प्रधानमंत्री जो कहते थे कि कांग्रेस 100 भी नहीं ला 50 भी नहीं ला पाएगी वो खुद 3 घंटा पीछे थे। यही तो खूबसूरती है इस भारत देश के 140 करोड़ जनता की। जी लेकिन हम बात करें अगर जैसा कि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है रिमोट से चलने वाली सरकार है, अगर सरकार रिमोट से चलती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार फायदा होता, लेकिन इस बार भी जो हम देखें तो कहीं ना कहीं बढ़त जो है बीजेपी की रही है और लगातार लोगों का भरोसा बीजेपी सरकार की ओर देखे तो बढ़ता ही जा रहा है, फिर किस आधार पर कांग्रेस ऐसा कह रही है? जूही जी आप और हम सब विटनेस है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कैसे बने? वसुंधरा जी को एक पर्ची आई दिल्ली से और उसमें नाम था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बने? वहां पे प्रभारी के पास पर्ची आई और उसमें उनका नाम था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कैसे बने मैं नहीं कहना चाहता, जनता जनार्दन होती है, सारी चीजों को 3 करोड़ जनता बेहतर समझती है, लेकिन मुझे यही लगता है कि यहाँ पर सरकार आप देखिए जब से सरकार आई है पिछले 6 महीने में क्या वो जनता की आकांक्षाओं पे खरी उतरी है? नहीं उतरी है। क्या वो 6 महीने में अपराध देख लीजिए कितना बढ़ गया है, गले मोहल्ले में सब जगह जिस प्रकार से अपराधी घूम रहे हैं। हमारे समय में तो इंस्ट्रक्शन था सीएम साहब का कि आपको खाकी की चमक और बूटों की धमक दिखनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी और त्वरित कार्रवाई हम करते थे। एंड दिस आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज कांग्रेस एंड भाजपा। हम जो कहते थे हम करते थे, लोकतंत्र में जीत हार चलते रहती है। लेकिन अमित जी सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि सरकार के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, फैसले लेने की क्षमता नहीं है, शक्तियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस को ही जनता ने नकारा है। देखिए मैंने कहा ना कि जनता ने तो बीजेपी को भी नकारा है और ये 15 साल जो यहाँ पर सरकार थी हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे हमने चुनाव लड़ा, मैन टू मैन वार मार्किंग करके हम जो चुनाव लड़े और जिस प्रकार से हम उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे हमने यहाँ पर सरकार बनाई थी, इसलिए अहम और वहम किसी को नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल अमित जी बने रहिए, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। और वहीं रायपुर से एक और जानकारी सामने आ रही, आरंग में मॉब लिंचिंग का मामला, बजरंग दल का जेल भरो आंदोलन, साधु संत समेत कार्यकर्ता पहुंचे रायपुर, गौरक्षकों पर हो रही कार्रवाई पर जताई नाराजगी, प्रदर्शनकारियों से मिले डिप्टी सीएम अरुण साव से बड़ी जानकारी, रायपुर से जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई, डिप्टी सीएम ने कहा है जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, प्रदर्शन खत्म करने का आह्वान किया है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने निशाना साधा है, साफ तौर पर कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो ये जानकारी आरंग में मॉब लिंचिंग मामले को लेकर साधु संत समेत कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे।
फिर से रुक कर लेते हैं अमित श्रीवास्तव की ओर। जिस तरीके से सर ये जो गौ रक्षकों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, आप किस तरीके से देखते हैं, आप क्या कहेंगे? तो पूरे रास्ते पर बात हुई अमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल पा रही है जी। आरंग में जो मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, अब उसको लेकर बजरंग दल का जेल भरो आंदोलन भी देखा जा रहा है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जूही जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखने को मिल रहा है मॉब लिंचिंग के विषय में, आप देखिए कि जो घटना हो रही है और उसके बाद जो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, आप देखिए कि लगातार यहाँ पर इतने केसेस आ रहे हैं। मैंने अभी कहा ना कि कानून व्यवस्था लचर है, इसको संभालने की आवश्यकता है, आपको खाकी की चमक और बूटों की धमक दिखानी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से आप प्रदर्शन कौन कर रहे हैं, आप देखिए कोतवाली में शहर के बीच सेंटर में जाके वो प्रदर्शन कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के लिए। दो दिन पहले हमने बलौदा बाजार की घटना को देखा, जिस प्रकार से एक समाज विशेष को जिस प्रकार से उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, सारी चीजों को हमारे सतनामी समाज के नेताओं ने भी रखा, हमारे नेताओं ने भी रखा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर घटना कारित हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को और शासन को त्वरित कार्रवाई का जरूरत है। जी, प्रदर्शनकारियों से जो है डिप्टी सीएम अरुण साव मिले हैं और उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए जूही जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर आप चेहरा देख के कार्रवाई करेंगी तो मुझे लगता है कि वो न्याय नहीं होगा। और कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर आप न्याय में देरी करते हैं तो अपने आप में वो अन्याय है। तो आपको लगता है कि चेहरा देख के इस दौरान जो कार्रवाई की जाएगी, कौन से चेहरे हैं, किसको देखकर ये कार्रवाई की जाएगी? देखिए वो तो प्रशासन और शासन को देखना है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए कि अगर कोई बजरंग दल से जुड़ा हुआ है आप उसको छोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारी चीजों को शासन प्रशासन को देखना चाहिए। आप क्या मानते हैं जो बजरंग दल के लोग जो है कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या है, क्या गलत है, वो नहीं करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है, मैं कोई डिसाइड करने वाला फैक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है शासन प्रशासन को दोनों पक्षों की बातों को सुनकर निर्णय लेना चाहिए। एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जब एक पक्षी कार्रवाई होती है तो संतोष फैलता है। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे और उनसे हमने बातचीत की। और एक बार फिर से रुक कर लेते हमारे साथ मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। मनोज, जिस तरीके से साधु संत जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आज चेहरे देखकर कार्रवाई की जा रही है। जी जूही जूही, आपको बता दें कि ये आरंग की जो घटना है माप लीजने के लिए, और इसमें बजरंग दल के साथ साथ साधु संतों का भी इसमें होना शुरू हो गया है, और साधु संतों ने चेतावनी दी है कि अगर ये गौ रक्षकों को छोड़ा नहीं गया तो आज हजारों में है, कल लाखों में साधु संत इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि साधु संतों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं जूही, इसको लेकर मुस्लिम समाज भी राजधानी की सड़कों पर उतरा था, और इसमें चार लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के सड़कों पर उतरने के दबाव में हुआ था। ऐसे में अभी देखने वाली बात इसमें ये होगी कि शासन प्रशासन इसमें कितनी पारदर्शिता दिखा सकता है। जी जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आरंग में मॉब लिंचिंग मामला जो है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और लगातार इस पर सियासत भी देखी जा रही है। और वहीं बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानियों का त्याग, तपस्या और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें सम्मान देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मान निधि देना फिर से शुरू कर दिया गया है, और पिछले 5 सालों की रोकी गई सम्मान निधि की राशि सेनानियों को एक मुश्त दी जा चुकी है। आपको बता दें कि पिछली सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि को बंद कर दिया था। वो बुलाए थे, लोकतंत्र के सेनानी थे, और उनका एक आग्रह था कि जो पिछले 5 वर्षों में उनका जो सम्मान राशि रोक दिया गया था वो फिर से चालू किया जाए, उसको हम लोगों ने चालू किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया, जिसको आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों ने आशीर्वाद देकर हम लोगों को सरकार पर बैठाया, तो उसको कर पाने में हम लोग सफल हुए। और यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं श्री उपेंद्र चौधरी जी, उनको हमने कहा कि आप ऐसा रास्ता निकालिए कि पिछले 5 साल का उनको इकट्ठे एक बार में मिल जाए, ताकि थोड़ा एक साथ कोई बड़ी राशि हो जाएगा तो
कुछ काम आ जाएगा। तो वित्त मंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें विभागीय अधिकारियों के कामों को लेकर बैठक की। बैठक लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, क्रीडा उद्यानिकी विभाग, संस्कृति विभाग, एनआरडीए और रायपुर के कलेक्ट्रेट मौजूद रहे इस दौरान। और मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यो को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा। पायलट दोपहर 2:30 बजे नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे, दोपहर 3 बजे अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। अंबिकापुर में इंदिरा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बड़ी जानकारी रायपुर से, रात को रायपुर में ही रुकेंगे सचिन पायलट। तो सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है और रायपुर से यह जानकारी, दोपहर 2:30 बजे नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे और 3 बजे अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। तो सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है, बड़ी जानकारी। रात को रायपुर में ही रुकेंगे सचिन पायलट और दोपहर 2:30 बजे नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। और छत्तीसगढ़ दौरे पर सचिन पायलट रहने वाले अंबिकापुर में इंदिरा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और रात को रायपुर में ही रुकेंगे सचिन पायलट। रायपुर से बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ दौरे पर सचिन पायलट। बढ़ते आगे, खबर दुर्ग से है, जहां रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग और बस्तर संभाग के 850 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन की आस्था स्पेशल ट्रेन में रवाना किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने, विधायक डोमन लाल कोटसवाड़ा, ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव, रिकेश सेन, जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और महेश वर्मा की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है, भारत देश में ही 500 वर्षों तक समाज संघर्ष करता रहा भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए। भगवान राम का मंदिर कोई कुवैत में बनवा रहा था क्या या अमेरिका में बनवा रहा था? भारत देश में सरयू नदी के तट पर उसी अयोध्या जी में भगवान का मंदिर बनना था। 500 साल का संघर्ष लगा है उसमें। आज जब मंदिर बनकर तैयार है, भगवान का सुंदर विग्रह है, विग्रह के दर्शन के लिए लोग बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, दुर्ग आदि आदि क्षेत्रों से सारे लोग जा रहे हैं, बहुत उत्साह है सब में। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लंबी गर्मी छुट्टी के बाद सूरजपुर जिले के सभी 2085 शासकीय स्कूल खुल गए हैं, जिनमें कई चरणों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। शाला प्रवेश उत्सव के पहले दिन महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने गृह ग्राम बीरपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीरपुर में बच्चों के साथ शाला प्रवेश उत्सव मनाया, जहां उन्होंने स्कूल के प्रवेश द्वार में बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर बच्चों का हाथ पकड़कर उनकी कक्षाओं में प्रवेश दिलाया। उन्होंने बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा का ज्ञान अर्जित कर बच्चे अपने अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें और समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दें। और वहीं बलौदा बाजार में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री ने दीप जलाकर मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। मंत्री ने बच्चों को तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर अभिनंदन किया गया और इसके साथ ही बच्चों को स्कूली ड्रेस और किताबें भी बांटी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने नव प्रवेशित बच्चों को शुभकामनाएं भी दी। आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी के प्रचार अध्यापक और सभी विद्यार्थी शामिल हुए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि हर बालक को
शिक्षा मिले, और पालकों से भी आग्रह किया गया है कि अपने बच्चों को नियमित स्कूल शिक्षा भेजें। और इस शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर मैं पूरे शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। शिक्षा हमारे जीवन का सार है, शिक्षा ही सभी समस्याओं के निराकरण का उपाय है। इस अवसर पर मैं सबको बधाई। बढ़ते आगे खबर दंतेवाड़ा से, जहां 5 इनामी नक्सली के साथ 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया। लून वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। बता दें कि पुलिस के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे घर वापस आइए अभियान और छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर नक्सलियों ने समर्पण किया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सरेंडर नक्सलियों को पुनर्वास योजना के तहत 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए और अब तक 186 इनामी नक्सली के साथ कुल 841 नक्सलियों ने मुख्यधारा से जुड़कर समर्पण किया है। बढ़ते हैं आगे, पंखाजूर से बड़ी खबर सामने आ रही। कॉलेज प्रिंसिपल पर भड़के पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष ने ली प्रिंसिपल की क्लास। कॉलेज में बालिका छात्रावास भूमि पूजन का कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं देने पर भड़के पार्षद। स्वागत के दौरान प्रिंसिपल ने नहीं लिया पार्षद का नाम। प्रिंसिपल ने पार्षद से हाथ जोड़कर मांगी माफी। तो पंखाजूर से ये खबर सामने आ रही है, कॉलेज प्रिंसिपल पर पार्षद भड़के, नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रिंसिपल की क्लास ली और प्रिंसिपल ने पार्षद से हाथ जोड़कर मांगी माफी। अगली खबर की ओर, खबर बलौदा बाजार से, जहां 10 जून को बलौदा बाजार में हुई आगजनी तोड़फोड़ का मुख्य मास्टरमाइंड भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े को उसके दो सहयोगियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अब तक बलौदा बाजार में 148 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस आगजनी घटना में लगभग 12 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था और 140 गाड़ियां आग में जलकर खाक हो गई थी। खबर बीजापुर से, जहां सीएएफ जवान ने ड्यूटी के दौरान अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर सुसाइड करने की कोशिश की, जिससे कैंप में हड़कंप मच गया। तभी घायल जवान को गंभीर हालत में बीजापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बीजापुर जिले के भोपाल पट्टनम थाना इलाके की बताई जा रही है। और खबरों में बढ़ते आगे, गरबाबंद के देव भोग में रेत माफियाओं के दबंगई का मामला सामने आया। दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री के सामने दर्जन भर ग्रामीण और वाहन चालक ने पुराने रेत ठेकेदार के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे और जिसके बाद इसका खुलासा भी हुआ। ग्रामीणों का आरोप था कि देव भोग ब्लॉक में पूर्व में रेत खदान चला चुके ठेकेदार द्वारा अब पीएम आवास के लिए रेत परिवहन करने वाले वाहनों को रोक कर 500 रुपए की अवैध वसूली किया जाता है और अवैध वसूली नहीं देने पर चालकों से मारपीट भी की जाती है, ऐसा आरोप लगाया। तो वसूली नहीं देने पर चालकों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री से ग्रामीणों ने शिकायत की है। गरियाबंद में यह मामला रेत माफिया की दबंगई को लेकर ग्रामीणों ने मंत्री से शिकायत की। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।